अरे भैया यहाँ पर कोई फीमेल स्टाफ नहीं है क्या? जाओ जाके फीमेल स्टाफ को बुला के लाओ। वो मैडम आज हमारे शॉप पे ना कोई फीमेल स्टाफ नहीं आया, वो क्या है ना त्योहार चल रहे हैं इस वजह से। क्यों, क्या हुआ मैडम? तो भैया इसका लॉक खराब है, मैं चेंज कैसे करूँगी? मैडम आप एक काम कीजिए, आप अंदर जाके चेंज कर लीजिए, मैं बाहर खड़ा रहूंगा जब तक। अरे क्या बकवास कर रहे हो, आपका दिमाग तो ठीक है? अरे मैडम आप प्लीज मेरे को गलत मत समझिए, मैं आपके भाई जैसा हूँ, प्लीज भरोसा रखिए, आप जाइए ना। ठीक है मैं चेंज कर लेती हूँ, पर आप किसी को अंदर मत आने देना। हाँ मैडम आप परेशान मत होइए, आप जाइए चेंज करिए, मैं किसी को नहीं आने दूंगा। अरे भाई मेरी वाइफ यहाँ पे शॉपिंग करने आई थी, आपने देखी है कहाँ पर है? अच्छा सर वो जो अंदर है वो आपकी वाइफ है? वो तो अभी चेंज कर रही है, पर अभी थोड़ी देर वेट कर लीजिए आप, वो बाहर आती होंगी। सर वो क्या है ना चेंजिंग रूम का ना डोर है उसका लॉक खराब हो रखा है, तो इसलिए मैं बाहर खड़ा हुआ हूँ ताकि कोई आए ना। अच्छा वो अंदर चेंज कर रही है और डोर का लॉक भी खराब है, और तू यहाँ पे खड़ा हुआ क्या कर रहा है, निकल यहाँ से। अरे सर पर मैम ने ही बोला है मेरे को यहाँ खड़े होने के लिए। मैडम ने कहा ना तेरे को, अब मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तू निकल। सर आप प्लीज़ मेरी बात समझिए, मैंने मैडम को कहा था कि मैं यहीं पे खड़ा रहूँगा जब तक वो चेंज करके नहीं आती, मैं नहीं जा सकता सर यहाँ से कहीं। अबे मैं उसका पति हूँ, मैं बोल रहा हूँ ना निकल। सर आप रुक जाइए ना, इतनी जल्दी क्यों कर रहे हैं, और वैसे भी क्या सबूत है कि आप इनके हस्बैंड हैं? अबे ओए दू क्या सबूत, क्या हो रहा है सर? ले ये आ गई, पूछ इससे कि मैं कौन हूँ। देखे ना मैम साहब, आपने तो मेरे को यहाँ पे खड़े होने के लिए बोला था, और ये साहब आए और मुझे कह रहे हैं कि हट जाए यहाँ से, और जब मैं नहीं हट रहा तो मुझे मार रहे हैं। अरे तुम्हें एक बात बताओ, मैं तुम्हारा पति हूँ और ये मुझे रोक रहा है, गुस्सा नहीं आएगा? अरे तुम इस पे क्यों चिल्ला रहे हो, इसकी कोई गलती नहीं है, मैंने इसे बोला था यहाँ खड़े होने के लिए, मैंने कहा था किसी को आने मत देना, और तुम उस पे फालतू पे चिल्ला रहे हो। बाय द वे सब छोड़ो, कैसी लग रही है ड्रेस? हाँ ठीक है, तुम्हें सही लग रही है ना? ले लूँ ना फिर? हाँ ठीक है ले लो, और जल्दी यहाँ से चलो। अरे चेंज तो करके आने दो। हाँ ठीक है जल्दी करो। थैंक यू भैया एंड सॉरी इनकी तरफ से। अरे ये फोन किसका है? अरे ये तो उन्हीं मैम का है जो अभी आई थी। काम करता हूँ मैं अभी जाता हूँ, ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। अरे मैडम 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 ये आप फोन भूल गए थे दुकान पे। अरे थैंक यू सो मच भैया। कोई बात नहीं मैडम। सुनो भैया ये लीजिए मेरा कार्ड, अगर लाइफ में कभी भी किसी चीज की भी जरूरत पड़े ना तो मुझे याद कर लेना, आखिरकार आपने मुझे बहन बोला है तो इस बहन को आप कभी भी याद कर सकते हैं। रुको भैया मुझे ही माफ कर देना, मैं भूल गया था, जो लोग औरतों की इज्जत करते हैं ना वो कभी गलत हो ही नहीं सकते। थैंक यू साहब, ठीक है मैं चलता हूँ।